नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, विशेषण में हमने अध्ययन किए थे कि विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के चार प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, हमने परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा अध्ययन किए थे और उसके कुछ उदाहरणों को भी हमने देखा था। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जीन, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप या तोल का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार थे, ठीक उसी भांति परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों का, जिन संज्ञाओं की मात्रा का हमें निश्चित बोध हो, किसी वस्तु की मात्रा का हमें निश्चित बोध हो, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन वस्तुओं की मात्रा का हमें निश्चित बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक लीटर पानी चाहिए। पानी क्या है विद्यार्थियों? एक द्रव्य है, तरल पदार्थ है, जिसे हम गिन नहीं सकते, 1, 2, 3। उसकी हम मात्रा गिन सकते हैं, उसे हम लीटर में गिन सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो ऐसे जो तरल पदार्थ हैं उनको हम मात्रा के रूप में गिनते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो आप मार्केट में जब जाते हैं तो किसी सब्जी वाले से यह नहीं कहते कि मुझे 2 बैंगन या 2 आलू दीजिए, मुझे आधा किलो आलू या आधा किलो बैंगन दीजिए, क्योंकि हम उसे नाप तोल कर लेते हैं। ठीक इसी तरह एक लीटर पानी चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें पानी की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, 1 लीटर। अब दूसरा उदाहरण, 3 मीटर लाल कपड़ा दो। यहाँ पर भी हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। कपड़ा टेप से नापा जाता है और काट कर दिया जाता है, तो हमें कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विद्यार्थियों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब जब हम किसी से पानी मांगते हैं तो कहते हैं ना, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मुझे अधिक पानी दीजिए। या हमारे घर में कोई शक्कर भी मांगने आते हैं पड़ोस के, तो वो भी हमसे कहते हैं कि मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए या मुझे कुछ शक्कर दीजिए। हमें शक्कर की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। निश्चित मात्रा का बोध कब होगा विद्यार्थियों? जब कहा जाएगा आधा किलो शक्कर दीजिए, 2 किलो शक्कर दीजिए, तब हमें उसकी निश्चित मात्रा का बोध होगा। लेकिन कुछ, थोड़ी, बहुत, कम, जहाँ हमें ऐसे शब्दों का बोध होता है, हम वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण आपको अवश्य समझ में आया, उसके दो प्रकार भी आपने अवश्य समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम प्रकार, सार्वनामिक वाचक विशेषण। सार्वनामिक वाचक विशेषण की परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। उदाहरण के रूप में समझते हैं, यह लड़का सोकर उठ रहा है। अब संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? लड़का, ठीक है। और संज्ञा के पहले यह शब्द क्या है? सर्वनाम। आइए परिभाषा को
समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले देखिए उदाहरण में यह शब्द आया है, लड़का शब्द के पहले यह शब्द आया है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का इस शब्द के पहले यह शब्द आया तो वह लड़के की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा उदाहरण, यह बच्चे पढ़ रहे हैं, संज्ञा बच्चे और सर्वनाम शब्द यह, अर्थात यह शब्द जो है बच्चों की ओर संकेत कर रहा है, यह बच्चे पढ़ रहे हैं, अर्थात यह सार्वनामिक वाचक विशेषण का उदाहरण कहलाता है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको विशेषण, विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार अवश्य समझ में आए हैं। आइए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृह पाठ पूर्ण कीजिए। विशेषण की परिभाषा प्रकार के साथ उदाहरण लिखिए। आपको विशेषण की परिभाषा भी लिखना है, उसके प्रकार, उसकी भी परिभाषा और उनके उदाहरण भी अपनी कॉपी में अवश्य पूर्ण करना है। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए अध्याय के साथ, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।